नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भी दावे की पुष्टि की जा सकती है? क्या एक भी दावे की सच्चाई की पुष्टि की जा सकती है? और अब उन्होंने जो दावा किया था उसकी बखिया कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय उधेड़ रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बांग्लादेश की आजादी के 50वें साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था और उसके चलते वो जेल गए थे। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे के लिए कि वो बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह के चलते जेल गए थे, इस दावे को लेकर सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इसकी जानकारी मांगी गई और प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, वायर की खबर आपके स्क्रीन पर। During his visit to Dhaka on Bangladesh's 50th independence anniversary last year, Prime Minister Narendra Modi had claimed he had participated in the Satyagraha in support of country's struggle for independence and had even gone to jail for it. ये उनका दावा था, अंग्रेजी में ये खबर है। अब इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय क्या कहता है आपके स्क्रीन्स पर। However, the Prime Minister's office, in a response to a RTI query on the details of Modi's arrest, lodging in jail and release has stated it has no record on the same. यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहा है कि इस बात को लेकर उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल दावा क्या किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 20-22 साल का रहा हूंगा जब मैं और मेरे कई साथी उन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके चलते मुझे गिरफ्तार भी किया गया था और मैं जेल गया था। यह दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का खुद का कार्यालय कह रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दावे की पुष्टि नहीं है, इस बात को लेकर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप कह सकते हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री के कार्यालय के पास यह रिकॉर्ड ना हो, मगर यह सच्चाई हो। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं दोस्तों। आज मैं एक एक करके आपके सामने कई दावे पेश करने वाला हूं, वो दावे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शिक्षा के बारे में किए, वो दावे जो इस सरकार ने किसानों के बारे में किए, मजदूरों के बारे में किए। इस सरकार के पास न कोई रिकॉर्ड है और उसके अधिकतर दावे गलत भी साबित हुए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि उन्होंने 1978 में पास आउट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और जब एक आरटीआई के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1978 में अपने बीए की डिग्री की थी, तो जवाब क्या है आपके स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी डिग्री राव डीयू कॉलेज सेज इट हैज नो डेटा ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट इन 1978। जिस कॉलेज के बारे में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1978 में वहां से अपनी डिग्री हासिल की थी, उस कॉलेज ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और यह दावा वो 1978 के बारे में कर रहे हैं। सीधा सवाल, यह दावा इस कॉलेज ने 1977 के बारे में नहीं, 1976 के बारे में नहीं, उस साल के बारे में किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी। यह रिकॉर्ड उड़नछू क्यों हो गया? अब आगे देखिए साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की आरटीआई खारिज होने पर डीयू अफसर पर 25,000 का जुर्माना। जी हां, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री के बारे में आरटीआई के अंतर्गत जानकारी मांगी गई तो वो जानकारी खारिज कर दी गई और जिस अफसर ने ऐसा किया था उस पर जुर्माना लगा था। बात यहां नहीं रुकती, आगे भी देखिए दोस्तों। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर, यह अमित शाह और स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री, मगर जब आरटीआई के अंतर्गत इस डिग्री को हासिल करने का प्रयास किया तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उस जानकारी को रोक दिया गया, उस जानकारी को लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। ये तमाम हरकतें हैं दोस्तों जो मन में शक पैदा करते हैं, आखिर क्यों। आगे देखिए,
लॉकडाउन में मजदूरों की मौतों पर केंद्र के पास डेटा नहीं, राहुल का शायराना तंज। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। जी हां, जब इस सरकार से पूछा गया था कि कितने मजदूरों की मौतें हुई, तो इसका डेटा तक इस सरकार के पास नहीं था। वो सरकार जिस पर यह आरोप है कि वो अलग अलग अंदाजों से डेटा अपने कब्जे में रखती है, लोगों पर मुआयना रखती है, आधार कार्ड के जरिए, जासूसी के जरिए, उसके पास जो मजदूर लॉकडाउन में मारे गए थे उसका कोई आंकड़ा नहीं है। बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए। बीबीसी की खबर है, कहां सुनी, सीएमआईई के मुताबिक अप्रैल से जुलाई तक 1.89 करोड़ नौकरियां गईं। संसद में सरकार बोली, प्रवासी मजदूरों के रोजगार छीनने का डेटा नहीं। लो, जिन मजदूरों का रोजगार छिना उसका डेटा तक मोदी सरकार के पास नहीं। आगे देखिए, महिला आयोग अध्यक्ष के बढ़ते लव जिहाद के मामले के दावे के बाद आयोग ने कहा ऐसा कोई डाटा नहीं। एक तरफ तो आप ये दावा करते हैं कि लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर जब आपसे पूछा जाता है कि क्या डाटा है आपके पास, तो वो डाटा भी आप मुहैया नहीं करा पाते। मैं आपको एक एक करके दोस्तों पोल खोल रहा हूं आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश को लेकर डाटा, कोई रिकॉर्ड नहीं। मजदूर कितने मरे, कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने मजदूरों की नौकरी आ गई, कोई रिकॉर्ड नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जब जानकारी मांगी गई तो वो जानकारी देने से ही मना कर दिया। अब आपके सामने देखिए, लव जिहाद का दावा किया गया मगर कोई डेटा नहीं। आगे देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे लोग, अब सरकार के पास नहीं है मौत की वजह का डेटा। जब सरकार से पूछा गया कि कितने लोग मरे थे, क्या वजह थी ऑक्सीजन की कमी को लेकर, यह डेटा भी इस सरकार के पास नहीं है। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या थी, पूरे देश ने देखा कि सिंघू और टीकरी बॉर्डर में किसान आंदोलन में कम से कम 700 किसानों की मौतें हुई। 500 किसानों को पंजाब सरकार ने, कांग्रेस की पंजाब सरकार ने मुआवजा भी दिया था, मगर इस सरकार के पास कोई डेटा नहीं था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं और कहते हैं कि इतने किसान मर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कीजिए। तो बकौल सत्यपाल मलिक, प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था वो मेरे लिए थोड़े ना मरे हैं। और आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उनके दावे को गलत साबित नहीं किया, उसे गलत नहीं बताया। देखिए इनका पालतू चैनल क्या कह रहा है, संसद में केंद्र सरकार का जवाब, आंदोलन में किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं, फिर मुआवजे का सवाल कैसा। किसान नेता सतीश नंबरदार बोले, बीजेपी सरकार किसानों को मुआवजा दे। आप जानते हैं इस पूरे मामले की सबसे शॉकिंग बात क्या है, एक तरफ तो आप किसानों की मौत को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि किसानों की मौत हुई थी, मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन किसानों को मुआवजा ना देना पड़े। हालांकि उन 700 किसानों में से 500 को पंजाब सरकार पहले ही मुआवजा दे चुकी थी, मगर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो कम से कम थोड़ी दरियादिली उन्हें दिखाने की जरूरत थी। आगे, इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या गुल खिलाया उसकी भी एक मिसाल देखिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, एक भी राज्य ने भुखमरी से होने वाली मौतों का डेटा उपलब्ध नहीं कराया। दैनिक भास्कर की खबर, सरकार के पास नहीं है लाशों का हिसाब, कोरोना की दूसरी लहर में गंगा में बहाई गई लाशों का डेटा मौजूद नहीं, राज्यसभा में केंद्र ने दी जानकारी। आगे देखिए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब देते हुए बताया कि मॉब लिंचिंग का कोई डेटा मेंटेन नहीं किया गया है। कोरोना से मौत पर WHO के आंकड़े को बीजेपी ने बताया गलत, कहा WHO कोविड डेटा प्रामाणिक नहीं। एक तरफ तो इस सरकार के पास डेटा नहीं होता, और जब विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी तरफ से एक जानकारी देता है तो यह सरकार उसे गलत बताती है। चलिए, कोरोना से जो मरीज मरे, कोरोना से जो आम इंसान मरा, उसका डेटा आपके पास नहीं था। क्या आप जानते हैं इस सरकार के पास कोरोना की वजह से जिन डॉक्टर्स की मौत हुई उसका डेटा तक नहीं था। जी हां, जिन डॉक्टर्स के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली और ताली बजवाई थी, उन डॉक्टर्स के बारे में कोरोना काल के दौरान कितने डॉक्टर्स मरे उसका भी डेटा नहीं था आपके स्क्रीन पर। सरकार के पास कोविड-19 की वजह से मारे गए डॉक्टर्स का कोई डेटा नहीं।
देश के गृह मंत्री अमित शाह का पसंदीदा शब्द है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी को समझिए दोस्तों। पहली बात, लोगों तक जानकारी और सच्चाई ना पहुंचाओ। और जब आम इंसान के हाथ में जो सबसे मजबूत हथियार है RTI सूचना का अधिकार, उसके तहत भी जब लोग जानकारी हासिल करें तो उन्हें जानकारी ना दो। ये बाकायदा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इस कार्यक्रम में मैंने आपको बताया कि चाहे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा हो, चाहे उनकी डिग्री को लेकर दावा हो, चाहे नोटबंदी को लेकर दावा हो, चाहे मजदूरों की नौकरियां जाने को लेकर दावा हो, चाहे मृत किसानों की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर इस सरकार के पास कोई डाटा नहीं, कोई जानकारी नहीं। इससे सिर्फ एक बात पता चलती है कि ये सरकार जवाबदेही में विश्वास नहीं रखती। क्योंकि जब ये डेटा सामने आएगा तो इस सरकार को सवालों के जवाब देने होंगे। और जाहिर सी बात है, ये वो सरकार है, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सवालों से बचती है। मगर ये वो मंच है जहां सवाल पूछे जाते हैं, बेबाकी से पूछे जाते हैं, धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। और हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।